आइसक्रीम वाला खोए वाला मलाई वाला भाई। जो शहरों में बिकती है उससे ये ज़रा मुख्तलिफ होती है। देहात में बड़े लोग इसको शौक से खाते हैं, किसी के पास पैसे नहीं होते, टुकड़े ले आता है और ये उन्हों को मैं दे देता हूँ। ये जो हमने पैंप लगाया हुआ है, ये इसीलिए लगाया है कि लोगों को पता चल जाता है कि आइसक्रीम वाला आ गया है। गरीब बंदे हैं, गर्मी में फिरते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि अपने घर का कुछ थोड़ा बहुत गुजारा कर लेता हूँ मैं। मेरा नाम अतीकुर रहमान है, मैं 17-18 साल से आइसक्रीम बेच रहा हूँ। देहातों में गलियों में जाकर अपना बेचता हूँ और एक गरीब बंदा अपने घर का सर्कट छोटा बहुत चल जाता है। शहरों में मैं इसलिए नहीं बेचता कि शहरों में रेड़ियाँ आ गई हैं, मैं एक गरीब बंदा हूँ, अपने साइकिल पे गुजारा करता हूँ। कोई बच्चा लोहा ले आता है, टुकड़ ले आता है, उसके बदले में ये मैं देता हूँ। इसका बनाने का तरीक़ेकार ये है कि दूध लेते हैं, चीनी लेते हैं और आइसक्रीम पाउडर वनीला लेते हैं। इन्हों को दूध के अंदर पकाया जाता है और यही जो अपना फलूदे वाला माया होता है ये इसके अंदर डाल दिया जाता है और इसको अच्छी तरीके से पकाकर बाद में सुबह इसको ठंडा कर तैयार कर फिर हम इसको साइकिल पर रखते हैं और अपने पेट के खातिर निकल जाते हैं। पुराना लोहा बेच लो, टीन डब्बा बेच लो। एक दिन में सर ये बेच लेता हूँ मैं 1000-1200 रुपये, यानी कि 800 रुपये खर्चा, 400 रुपये मुझे बच जाते हैं। 100 रुपये की बर्फ़ की फटी है, 200 रुपये किलो माया है, 190 रुपये का आइसक्रीम पाउडर है जो कि, और दूध है 150 रुपये किलो। ये 800 रुपये खर्चा आता है जो कि मेरे को 400 रुपये बच जाते हैं। ये जो हम कोन बेच रहे हैं जी गली मोहल्लों में, ये 10 रुपये की कोन होती है, शहरों से ज़रा मुख्तलिफ होती है। शहरों में जो है 100 की 50 की इस तरीके से बिकती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है शहरों से माल कुछ बराबर ही होगा। ये बहुत अच्छा माल होता है और बड़े लोग इसको शौक से खाते हैं।